फेसबुक के पेज को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है टेम्परेरी तौर पर, आज मैं आपको यही सब सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं अपनी फेसबुक की ऐप को ओपन। फेसबुक की ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको राइट साइड पर यहाँ पर जो थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। या तो इसे होल्ड करके रखें तब भी आपकी जो है ना प्रोफाइल या फिर पेज जो है ना वो आ जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पेज को स्विच करना है। अगर आप प्रोफाइल पर हैं यहाँ पर क्लिक करें थ्री डॉट, यहाँ पर जो आपकी आईडी दिख रही है या ये देखें यहाँ पर हमें दिखा रहा है सुफियान अली और नीचे सुफियान। तो मुझे पता है मेरा पेज नीचे वाला है, ऊपर वाली जो है ना वो मेरी आईडी है। तो मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें अब हमें बोल रहा है स्विचिंग टू सुफियान, यानी कि पेज को स्विच कर रहा है। तो आप लोगों ने ये काम सबसे पहले कर लेना है। अब जो है ना वो हम बाई डिफ़ॉल्ट अपने फेसबुक के पेज पर आए खड़े हैं, तो अब दोबारा से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हमें जाना है अपनी फेसबुक की पेज की सेटिंग में, आईडी की नहीं बल्कि पेज की सेटिंग में। यहाँ पर ऊपर आपको गैलरी नज़र आ रही है ये वाली, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब जो है ना वो हमारे फेसबुक के पेज की सेटिंग गई है खोल। तो अब जो है ना वो हमें जाना है सीधा, आपको पेज सेटिंग दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। नाउ यहाँ पर आने के बाद अब आपको जो है ना थोड़ा सा नीचे करना है स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर एक बटन ढूंढना है जो मैं अभी आपको ढूंढ करके दिखा देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपके फेसबुक के पेज की पर्सनल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जाना है नीचे एक बटन, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें यहाँ पर आ गया है फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना। फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ये देखें एक्सेस एंड कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखें एक्सेस एंड कंट्रोल डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन एंड डीएक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन और डिलीशन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर डीएक्टिवेशन और डिलीशन में हमारा पेज आ गया। तो यहाँ पर हमें जो है ना दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट पेज, दूसरा है डिलीट पेज। अगर तो आप लोग अपने फेसबुक के पेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं पहले समझ लें कि डीएक्टिवेट होता क्या है। डीएक्टिवेट का मतलब है कि आपका फेसबुक का ये पेज facebook.com या फेसबुक की ऐप से, मतलब फेसबुक से कंप्लीट जो है ना रिमूव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ना किसी को शो आएगा ना आपको शो होगा। लेकिन ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगा बल्कि डीएक्टिवेट, यानी कि एक्टिव नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा, पीछे चला जाएगा। और चाहे आप एक साल के बाद या दो साल के बाद इसको अगर दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो आप डीएक्टिवेट की बजाय एक्टिव कर लेंगे इसे, तो ये एक्टिव होगा और चलने लग जाएगा, जो इसमें डेटा होगा सारा सेव रहेगा, डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट पेज कर दें, लेकिन याद रखें अगर आपने डिलीट पेज कर दिया तो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आप दोबारा इसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते, सारा डेटा डिलीट होगा। तो आज हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया डीएक्टिवेट पेज। अब हम करते हैं नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। नाउ हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पासवर्ड फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, हमें कह रहा है हमें अपनी फेसबुक की आईडी का पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। तो जल्दी से हम लोग अपनी फेसबुक की आईडी का पासवर्ड देते हैं लिख, ये देखें हमने अपना पासवर्ड लिख दिया। अब इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू, तो हमारा जो है ना ये वाला पेज डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हम जो है ना वो यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि मुझे अभी अपने इस पेज को डीएक्टिवेट नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों ने पासवर्ड आप लोगों को भूल गया तो ये देखें नीचे फॉरगेट का बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक का पासवर्ड जो है ना वो फॉरगेट हो जाएगा। कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अब अगर आप लोगों को फेसबुक का पासवर्ड फॉरवर्ड नहीं करना आता फेसबुक की आईडी का, तो ये वाली वीडियो देख लें, आपको फेसबुक की आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करना आ जाएगा। कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।